हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टर रॉयल टेक। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इसमें भौतिक विज्ञान और बाकी साइंस के सारे छांटे गए क्वेश्चन हैं जो अधिकतर एग्जामों में पूछे जाते हैं। ये 160 क्वेश्चन हैं जो अधिकतर हर बार लगभग आए जाते हैं इनमें से कुछ ना कुछ, और इस बार भी आने के पूरे चांस है। तो वीडियो पूरे देखते रहिए और जुड़े रहिए। तो पहला क्वेश्चन है, न्यूटन जल में तैरना न्यूटन की गति के कौन से नियम के कारण संभव है? तो इसका उत्तर है तृतीय नियम। कृष्णा छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? एस चंद्रशेखर। ज्योति प्लक्स किसका मात्रक है? ल्यूमेन का। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? ध्वनि तरंगे। इनके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? मानव आँख की रेटिना पर उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, जिसे फिर दिमाग में संशोधित करके हमें सीधा चित्र दिखाया जाता है। आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? इसका आंसर है आइरिस। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है, तब केवल किससे परिपत्र्य प्रभावित होगी? मतलब जब प्रकाश की किरणें वायु से कांच में जाती है तो इसमें कौन कौन से उसके तत्व है जो परिवर्तित होंगे? तो इसका आंसर है तरंग धैर्य तथा वेग। और ये भी एक क्वेश्चन है कि कौन सा चेंज नहीं होता है, तो उसका आंसर है आवृत्ति। आठवां क्वेश्चन है, पानी में डुबोई एक छड़ी किसके कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? उत्तर, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। किसी तुल्यकालीय उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? इसकी ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। इसे भूस्तरीय उपग्रह भी कहा जाता है। जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है, तब बने उन हुए प्रतिबिंबों की संख्या, जब दो समांतर प्रतिबिंब समतल दर्पण है उनके बीच में कोई वस्तु रखी जाती है तो उसके अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यह सबसे मोस्ट क्वेश्चनों में से एक है कि कौन सा वो यंत्र है जिसका उपयोग करके हम पानी में भी किसी चीज़ की गहराई या वस्तुओं का मैप तैयार कर सकते हैं? तो उसका आंसर है सोनार यंत्र। ट्यूबलाइट में व्यव ऊर्जा का लगभग कितने प्रतिशत भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? इसका आंसर है 60 से 70% भाग। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन किस प्रकार उचित रहता है? इसके लिए का आंसर है कि ऊपर सफ़ेद और नीचे काला। ये छाता हो तब धूप से मतलब सफ़ेद रंग उसे प्रकाश को परावर्तित कर देगा और काला रंग अंदर से नमी को अवशोषित करेगा, इससे धूप से में भी ठंड का एहसास होता है। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? इसका आंसर है ध्रुवण प्रक्रिया। ध्रुवण प्रक्रिया प्रकाश में हो सकती है लेकिन ध्वनि में नहीं होती। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? इसका आंसर है 1/6, अर्थात मतलब चंद्रमा की जो ग्रेविटी है वो पृथ्वी की 1/6 गुणा है। तो आप इसका कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, पृथ्वी की ग्रेविटी 9.8 है तो वहाँ की 9.8/6 होगी। चंद्रा एक्स रे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? इसका आंसर है एस चंद्रशेखर। मनुष्य की ध्वनि कंपन की अनुभूति कितनी आवृत्ति सीमा में होती है? इसका आंसर है कि मनुष्य किस आवृत्ति से लेकर किस आवृत्ति तक की ध्वनि सुन सकता है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है 20 से 20,000 हर्ट्ज। कुलीज नलिका का प्रयोग किस कौन सी किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? आंसर है एक्सरे किरणें। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो क्या बनता है? बाह्य सेमी कंडक्टर या बाह्य अर्धचालक। दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर है दूरदर्शी प्रकाशीय दूरबीन भी बोलते हैं जिसे। निकट दृष्टिकोण दोष दूर करने के कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका नतोदर लेंस या अवतर लेंस। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान की कौन सी राशि प्राप्त की जाती है? तो इसका आंसर है भौतिक राशि। चश्मा प्रयोग करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते समय क्या पहनना चाहिए? ये है कि उनको चश्मा लगाकर ही किसी सूक्ष्मदर्शी से देखना चाहिए, क्योंकि चश्मा लगाने पर उनकी आँख नॉर्मल व्यक्ति की तरह काम करती है। प्रकाश के प्रकारों में से नीला और लाल पौधे द्वारा क्या होता है? इनका अवशोषण तीव्र होता है। किसको नली में तंतु को गर्म करके पैदा करते हैं? इसका आंसर है श्वेत प्रकाश।
विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग किसको बनाने के लिए किया गया था? आंसर है जनित्र, जो जनरेटर भी बोलते हैं हमारी भाषा में। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किसके माध्यम से में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? उत्तर है लोहा। मतलब जो भी ठोस रहता है उसमें सबसे ज़्यादा उसकी ध्वनि की चाल रहती है, अधिकतम इस्पात में रहती है, वैसे वो आपको ऑप्शन में देख के चूज़ करना होता है। नेत्रदान में दाता की आँख की किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है, अर्थात कौन सा हिस्सा काम में लिया जाता है? इसका आंसर है कार्निया। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते समय हुए न्यूनतम हो जाती है? आंसर है कांच। मानव की आँख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है? इसका आंसर है रेटिना पर। पूर्ण विवरण उत्तर मापी किसके सिद्धांत पर नियम पर आधारित है? आंसर है स्टीपन। प्रति लघु समय अंतरालों को सही सही कराने के कौन सी घड़ियों का प्रयोग किया जाता है? जो वैज्ञानिक जो कार्यक्रम होते हैं उनमें किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है, जो एग्जैक्ट फिक्स टाइम बताती है माइक्रोसेकंड तक, उस घड़ी का नाम है परमाणु घड़ी। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तापित किया गया था? आंसर है हाइगेंस। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? हाँ, 1 HP बराबर 746 वाट होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अब तक का। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किसके माध्यम से आती है? उत्तर है विकिरण प्रकार के माध्यम से। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम विधि से पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। कि सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर है? तो इसका आंसर है 40 डिग्री के। परमाणु बम में विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा का किस में परिवर्तन होता है? ऊर्जा का द्रव्य ऊर्जा में, जो उसका द्रव्य होता है वो ऊर्जा में परिवर्तित होता है, जिससे पर्यावरण हानि होती है। जल सर्वोच्च विशिष्ट किसका मान होता है? ऊष्मा का। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? इसका आंसर है अवरक्त किरण। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? उत्तर है न्यूटन ने। वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? 3×10⁸ या 300,000 किलोमीटर एक सेकंड में। सबसे ज़्यादा अभी तक प्रकाश की ही गति को मापा गया है। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों के चश्मे में कौन सा लेंस लगाया जाता है? दूर दृष्टि अर्थात दू ऊ की मात्रा याद रही है, तो आप याद रखने के लिए रख सकते हैं कि दू ऊ उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंग है? उत्तर अनुप्रस्थ तरंगे। शीत ऋतु के दिनों में हम साफ मौसम के होने पर ज़्यादा क्या महसूस करते हैं? इसका आंसर सिंपल सा है, ठंड महसूस करते हैं। पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? उस वैज्ञानिक का नाम है वैज्ञानिक गाल्टन। प्रकाश की विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? उत्तर है मैक्सवेल। क्यूरी रेडियो एक्टिव किसकी इकाई का नाम है? इसका आंसर है धर्मिता। फोटोग्राफी कैमरे का फिल्म भाग किसकी तरह कार्य करता है? उत्तर है आँख का रेटिना। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? उसका आंसर है राइट ब्रदर्स, जिन्होंने पहली बार एरोप्लेन खुद बनाया था और खुद उड़ाया था। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं 50 से 100 तक के क्वेश्चन डालने का प्रयास करूँगा। थैंक यू। इस प्रकार के और भी क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नेक्स्ट वीडियो इस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं आप। और इस प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनका आने का पूरा चांस रहता है, वो यहाँ पे अपलोड कर दिए जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।